वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूं एक नर्व पेन में दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में, जिसको प्रीगालीन 75 टैबलेट के भी नाम से या फिर कैप्सूल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जो ये प्रीगालीन 75 कैप्सूल है, इसको बनाया गया है टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। और अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स, ये 15 कैप्सूल जो होते हैं वो लगभग आपको 305 रुपए के मार्केट प्राइस पे किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजली मिल जाएगा। इसके आज हम प्रीगालीन के अगर इसमें कंटेंट के बारे में बात करें कि कौन सा कंटेंट ऐड किया गया है, तो इसमें प्रीगाबालिन 75 mg रहता है। ये एक सिंगल कंटेंट होता है। तो इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या इसका यूजेज होता है, किन किन डॉक्टर के द्वारा ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है या दिया जाता है, और क्या क्या लेने से पहले इसको सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ प्रीगालीन या फिर प्रीगाबालीन 75 टैबलेट या कैप्सूल के बारे में, तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि इस कैसी ये प्रॉपर्टी रखता है, ये जो टैबलेट होता है या जो साल्ट होता है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एंटी कलवेंसेंट प्रॉपर्टी रखता है, एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है और एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। तो ये किन किन डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी या फिर एपिलेप्सी, दौरे की शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स मैं मिर्गी या दौरे के बारे में बात कर रही हूँ, तो सिर्फ ये सिंगल कैप्सूल या टैबलेट नहीं दी जाती है, ये सपोर्टिव मेडिसिन के साथ की तरह से यूज़ की जाती है। मतलब इसके साथ में दूसरी मेडिसिन भी चलती हैं। अगर आप सिंगल इस टैबलेट या कैप्सूल का यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब मैं बात कर रही हूँ एनाल्जेसिक की तरह से यूज़ किया जाता है, तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट होती है या जो कैप्सूल होता है, वो नर्व पेन को कम करने का काम करती है। तो कई लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको नर्व्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, पैरों में उनको दर्द होता है, जलन होती है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ये दर्द को कम करने के लिए टैबलेट या फिर कैप्सूल यूज़ किया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, साइकियाट्रिक डॉक्टर जो होते हैं, वो भी इस कैप्सूल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, अगर अल्कोहल विड्रॉल करते हैं, मतलब जो अल्कोहल का लंबे समय से यूज़ कर रहे होते हैं और अचानक से वो अल्कोहल का सेवन बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में भी जो व्यक्ति होता है, उसके नसों में दर्द होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, तो ये टैबलेट या कैप्सूल डॉक्टर के द्वारा, साइकियाट्रिस्ट के द्वारा भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो भी साइकियाट्रिक इस टैबलेट या कैप्सूल को प्रेस्क्राइब करता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं अल्कोहल के अलावा ओपियम विड्रॉवल अगर करते हैं, या जो आप सामान्य बोलचाल की भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अफीम का नशा बहुत लंबे समय से कर रहा है और अचानक से वो छोड़ता है, तो उसकी नसों में खिंचाव या फिर दर्द या फिर हेडेक, इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, तो उस कंडीशन में भी साइकियाट्रिक डॉक्टर जो होता है, वो प्रीगाबालीन 75 mg प्रेस्क्राइब करता है। फ्रेंड, इसके अलावा साटिका के पेन में भी डॉक्टर के द्वारा ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है। साटिका में जो होता है, कमर से लेकर के नीचे पैर तक बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जो कि नॉर्मल पेन किलर से ठीक नहीं होता है। फ्रेंड, जो नर्व्स पेन होता है, अगर आप कोई भी पेन किलर यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नर्व्स पेन और नॉर्मल अलग पेन वो दूसरा होता है। तो नर्व पेन में प्रीगाबालीन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें तो हर्पीस जोस्टर नाम की एक बीमारी होती है, जो कि स्किन डिजीज़ होती है। फ्रेंड्स, इसमें स्किन पे खुजली या फिर बहुत छोटे छोटे से छाले टाइप से, ब्लिस्टर टाइप से पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, जिसमें पानी जैसा भर जाता है, तो उस कंडीशन में स्किन डिजीज़ को ठीक होने के बाद भी बॉडी में या नर्व्स में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है। ये जब ये प्रॉब्लम चल रही होती है, उस टाइम भी इस टैबलेट को दिया जाता है, इस कैप्सूल को दिया जाता है, और ठीक होने के बाद भी जो ये इन्फेक्शन होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक होने के हो जाने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक जो पेशेंट होता है या व्यक्ति होता है, उसको बॉडी में या फिर नर्व्स में पेन होता रहता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा
ये प्रीगाबालिन 75 दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि पिन पॉइंट, मतलब पिन चुभने जैसा दर्द होता है। वो आपके शोल्डर पे भी हो सकता है, नेक पे हो सकता है, नी पे हो सकता है, कहीं भी पेन हो सकता है। आपको फील होगा जैसे पिन टाइप से चुभ रही है। उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो फिलहाल ये मैंने पूरी कोशिश की है कि किन किन डॉक्टर के द्वारा या कहाँ कहाँ पर इस प्रीगाबालिन 75 का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि अगर आपने इस टैबलेट को लिया है तो फिर क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको नौजिया, वोमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, बीपी आपका बढ़ सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई दूसरे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत अवश्य कंसल्ट कर लें, जिसकी वजह से आपको मतलब ये टैबलेट बंद करके कोई दूसरी टैबलेट या कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जा सके। फ्रेंड, अल्कोहल के साथ में इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला जो कि गर्भवती है, प्रेग्नेंट है या फिर दूध पिलाती है तो अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर लें। फ्रेंड्स, अगर इसके डोजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल अगर किसी को जो पेशेंट मिर्गी या फिर दौड़े का जिसको शिकायत है, एपिलिप्सी की शिकायत है, तो उसको दिन में एक ही टैबलेट देने की सलाह दी जाती है। या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा किसी को, अगर जो मैंने अभी बताया था हर्पीस जॉइस्टर, अगर किसी को प्रॉब्लम है उसकी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये 2 से 3 बार भी टैबलेट देने की सलाह दी जा सकती है। बट फ्रेंड, जो इसकी डोज होती है वो डॉक्टर और पेशेंट पे अलग अलग वेरी कर सकती है, क्योंकि कितनी आपको प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। इसलिए आप बिना डॉक्टर की सलाह के डोज अपने आप बिल्कुल भी डिसाइड ना करें। अगर इसके कंटिन्यू कितने दिन तक लेना रहता है, तो अगर मैंने बताया जो एपिलिप्सी का जो पेशेंट रहता है उसको 1 वीक तक आप कंटिन्यू दे सकते हैं, या फिर अगर उससे ज़्यादा दिन देने की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको खुद ही बता देगा। तो फिलहाल मैं ये स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल भी ना लें। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। तो फ्रेंड, मैंने पूरी कोशिश की है प्रीगाबालिन 75 mg कैप्सूल टैबलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।